आपका स्वागत है अपने गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो अभी काफ़ी मीडिया काफ़ी न्यूज़पेपर में एक आया था, रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है वो अपनी भर्ती लेने जा रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पद थे, 9000 पद थे, पर फ्रेंड्स अभी आपको बता दें एक रेल मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी की है जिसके अंदर इसको सरासर फर्जी बताया। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसको पूरा बारीकी से देखेंगे। आप इसको देख सकते हैं, जैसे रेलवे RPF और ASI रिक्रूटमेंट में 9000 पदों पे जो वैकेंसी जो पद होने वाले थे, सोशल मीडिया पे फर्जी खबर थी, रेलवे का स्पष्टीकरण आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती ने नौकरी की तैयारी कर युवाओं को निकली हर वैकेंसी को बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में अगर सरकारी के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जानकारी के बड़ा ध्यान से खुद से देखते हैं। हालांकि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्स्टेबल के 9000 पदों की भर्ती निकलने की खबर आई है, लेकिन सच इसको अप्लाई करने से पहले मिनिस्ट्री कि एक जरूरी सलाह जरूर मान लेनी चाहिए। क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उन्होंने ये निकाल रखा है, RPF में कांस्टेबल और ASI में 9000 पदों की सोशल मीडिया में फर्जी भर्ती सूचना के संबंध में स्पष्टीकरण आया है। रेलवे सुरक्षा बल मींस RPF में कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक SI में 9000 पदों के संबंध में सोशल मीडिया समाचार पत्रों में फर्जी संदेह प्रस्तावित किया जा रहा है। एप द्वारा सूचित किया जाता है कि RPF या रेलवे मंत्रालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट या किसी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई, द्वारा जाता है ये खबर फर्जी है, इसमें समस्त प्रति जिम्मेदार मीडिया पर नजरदार किया जाना चाहिए, MG SDF और DV। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी रेल मंत्रालय की तरफ से एक खबर थी, मीन्स आपकी जो वैकेंसी जो अभी जो काफ़ी सोशल मीडिया पर आ रही थी रेलवे RPF वैकेंसी की, वो सारी आपकी नहीं है, वो सारी फर्जी है। वो फुली फ्रेंड्स आप सबको ध्यान के थोड़ा सा भी एक आश्चर्य हुआ होगा, पर फ्रेंड्स इट्स सच, ये सच है। हम भी मानते हैं गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी ने भी इसको पब्लिश किया था, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स है उनके ऊपर आ रहा था। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी फर्जी है, आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है, जो भी अगर आप वैकेंसी भरते हैं एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जरूर जाया कीजिए, वहाँ पे आज जाके एक बार जरूर चेक किया दीजिए। जिस तरह अभी इस पर रेल मंत्रालय ने अपने ये पूरी विज्ञप्ति जारी की है, इसका मतलब ये है ये टोटली फेक है, आपको इसको आप दोबारा अप्लाई नहीं करना है। अब की बार जब भी आएगा फ्रेंड्स, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ जाके ही आपको उस पर अप्लाई करना होता है। और फ्रेंड्स हर किसी की वेबसाइट पर, हर ऐसे सोशल मीडिया वेब पे आई हुई चीज़ कभी रियल नहीं होती। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको हमारे DV से आपको जानकारी मिली होगी। तब तक के फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।